मकर संक्रांति उत्सव फसल के मौसम की शुरुआत को याद करता है। इस त्योहार के दौरान शिशुओं और बच्चों को गन्ने के डंठल के टुकड़े, बेर फल और तिल के बीज के साथ बरसा जाता है। आइए हम इस अनुष्ठान के पीछे वास्तविक सार और आंतरिक अर्थ को समझें। गन्ने के डंठल के भीतर से पोषण का रस निकाला जाता है, जिसके बाद फाइबर के व्यर्थ पदार्थ को फेंक दिया जाता है। इसका आंतरिक अर्थ इस प्रकार है। नरसिंह अवतार में भगवान स्तंभ से प्रकट होकर साबित किया कि वह प्रत्येक कण में उपस्थित हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान कण कण में बसते हैं। पोषण का हिस्सा बेर फल के बाहरी हिस्से में निहित है और आंतरिक बीज को फेंक दिया जाता है। इसका आंतरिक अर्थ इस प्रकार है। वामन अवतार में भगवान ने खुद को पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित किया। इसका मतलब यह है कि भगवान ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हैं। तिल के बीज में पोषण का हिस्सा समस्त में होती है और कुछ भी व्यर्थ नहीं होती है। इसका आंतरिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान कृष्ण विश्व रूप में प्रदर्शित करते हैं कि वह ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हैं। अपने बचपन में भगवान ने माँ यशोदा को यह भी दिखाया कि सभी ब्रह्मांड उनके भीतर निक्षिप्त हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान प्रत्येक कण के भीतर और पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। इस प्रकार बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि भगवान हर जगह यानी अंतर और बाहर प्रपंच में उपस्थित हैं और हम उन्हें अपने सच्चे भक्ति से उनको पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बचपन से सकारात्मक मजबूत उपयोगी विचारों को दिमाग में प्रवेश करने चाहिए। अपने आप को इन विचारों के लिए खुला रखें, न कि कमजोर और स्तंभित के लिए। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारे शुभकामनाएं। यह त्योहार भारत और दुनिया भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे पोंगल, उत्तरायण, माघी, लोहरी आदि।